मिट्टी में यानी मृदा खेतों में अंधाधुंध रासायनिक खादों और उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक पेस्टिसाइड का प्रयोग न केवल मिट्टी की उत्पादन क्षमता को घटा रहा है बल्कि अनाज के उत्पादन को भी घटा रहा है, फलों फूलों सब्जियों की का उत्पादन तेजी से घटा है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि हम कैसे इन रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाएं या ना के बराबर इनका उपयोग करें। तो मैं जिस फसल के बीच में खड़ा हूं, ज़्यादातर किसान जो प्रगतिशील किसान हैं, जो अच्छी खेती करते हैं, वह इस फसल का उपयोग एक अच्छे उर्वरक के रूप में करते हैं जिसका नाम है ढैंचा। या ढैंचा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सबसे अच्छी और मुफीद फसल मानी जाती है। इसकी बुआई का जो समय होता है वो अप्रैल से मई तक का बीच में हम इसकी बुआई करना चाहिए और इसको इसके बुआई के लिए एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 60 किलो ढैंचा के बीज की ज़रूरत पड़ती है। हम इसको 90 किलो तक भी ले जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा सघन बुआई करना चाहते हैं। इसका जो फायदा है मिट्टी को, या मिट्टी में लगभग 100 किलोग्राम तक नाइट्रोजन देता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसको जो है हम 45 से 50 दिन की फसल हो जाने के बाद इसको हमको हैरो या कल्टीवेटर चला करके इसको या रोटावेटर से इसको जुताई कर देना चाहिए और पलेवा लगा देना चाहिए जिससे पूरी तरीके से जो है फसल मिट्टी में सड़ जाए। और इसके सड़ने से जो हरी खाद होती है वो काफ़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों को बढ़ाती है। कार्बनिक तत्वों के बढ़ने से जो मिट्टी की जल धारणा की क्षमता है वह तो बढ़ती ही है। साथ में जो इसमें सबसे मुफीद बात है, जो सबसे अच्छी बात है, खासियत है, वह है कि यह नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को बढ़ावा देती है, नाइट्रोजन का बढ़ावा देती है और मित्र जो जीवाणु हैं उनको भी बढ़ावा देती है। मिट्टी में मृत जीवाणुओं के बढ़ने से जो उत्पादन क्षमता मिट्टी का घट रहा है, जो जो मृदा में कार्बनिक तत्व घट रहे हैं उसको भी बढ़ावा मिलता है। तो किसान भाइयों से खासा अनुरोध है कि अगर आप गेहूं की फसल में, धान की फसल में, सब्जियों की फसल को अच्छे तरीके से उसमें रासायनिक खाद उर्वरकों का प्रयोग कम करना चाहते हैं तो ढैंचे का उपयोग करें। और यह 80 से 90% अनुदान पर केंद्र राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध भी कराया जाता है। तो कोई भी किसान भाई अपने नज़दीकी कृषि रक्षा इकाई पर, कृषि भंडार पर, जो कृषि विभाग द्वारा अनुदान पर ढैंचे का बीज उपलब्ध कराया जाता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसको समय रहते बुआई करें, अप्रैल से लेकर के मई के बीच में इसकी बुआई अवश्य कर दें जिससे जो है इसकी हम पलटाई धान की रोपाई के समय खरीफ के सीजन में कर पाएँ। और कोई भी किसान अगर अपनी मिट्टी के जल धारणा की क्षमता को, इसमें मिट्टी में नाइट्रोजन की क्षमता को, धारणा की क्षमता को बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए सबसे मुफीद हरी खाद है। वैसे मूंग, सनई, उड़द, इन सब फसलों को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं हरी खाद के रूप में। लेकिन उस सब इन सभी हरी खादों की फसलों में सबसे अच्छी जो फसल मानी जाती है हरी खाद के लिए वह है ढैंचा। तो ढैंचे के लिए एक बार फिर से बता दें, 60 से लेकर के 90 किलोग्राम तक हमको एक हेक्टेयर खेत में इसकी ज़रूरत पड़ती है। किसान भाई इसकी बुआई करें। धन्यवाद।